नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हम आपको JJP द्वारा घोषित किए गए उन चार उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। कल 18 अप्रैल को नई दिल्ली में JJP सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला व आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी गोपाल राय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए JJP के जिन चार नामों की घोषणा की है, उनमें सबसे पहला नाम है देश के युवा सांसद दुष्यंत चौटाला का, जो दूसरी बार हिसार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। JJP ने अपने सभी उम्मीदवारों को घोषित किया है, वह युवा है। जहां दुष्यंत चौटाला स्वयं 31 वर्षों के हैं, वहीं सिरसा से निर्मल सिंह मलड़ी 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। निर्मल सिंह मलड़ी 2014 में कालावाली विधानसभा क्षेत्र से गोपाल कांडा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, मगर वे हार गए थे। कुछ समय पूर्व मलड़ी JJP में शामिल हुए हैं तथा उन्हें सिरसा की टिकट दी गई है। इनसो के प्रदेशाध्यक्ष रहे प्रदीप देसवाल को, जो युवा हैं, रोहतक जैसी हाई प्रोफाइल सीट उनको दी गई है। वहीं 10 वर्षों तक अमेरिका में रह करके आई स्वाति यादव को महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस प्रकार JJP ने अब तक जिन चार उम्मीदवारों की टिकट दिया है, वे सभी युवा है तथा JJP के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि वह युवा शक्ति के साथ इन चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।